हमेशा लेटेस्ट रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आज हम बना रहे हैं आलू पोहा टिकिया, तो जान लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। हमने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम पोहा, 4 से 5 आलू ले लिए हमने, और ये उबला हुआ आलू है जिसे इस तरीके से चूर लिया है। हमने ली है मूंगफली, या हाफ कप ली हमने। हमने इसे भूनकर दरदरा से पीस लिया है। हरा धनिया लिया हमने, हरे धनिया को कट कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। हमने लिया यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च, 6-7 लहसुन की कलियाँ, आधा छोटा चम्मच जीरा। हमें इस चीज़ों को पीस लेना है पहले। हमें इसे मिक्सी में दरदरा सा पीस लेना है। देख सकते हैं हमने इस तरीके से मिर्ची को पीस लिया है। बॉल में अब हम पोहे को डालेंगे। पहले तो हमको पोहे को अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धो लिया है, अब हम इसमें पोहा अच्छे से डिप हो जाए इतना ही पानी हमें डालना है। 2 से 3 मिनट कर लिया हमें इसे भिगो कर रखना है। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारा पोहा भी अच्छे से भीग चुका है। अब हमें इसे छान कर पूरा पानी निकाल लेना है। पूरा पानी निकल जाए तब तक हमें इसे ऐसे ही रखना है। पोहा सूख चुका है, एक बॉल में अभी इसे ऐड करेंगे। इसे हाथों से अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरी तरीके से दबा कर। इसे जैसे डो बनाते हैं वैसे उस तरीके से कर लेना है। इसे भिगा हुआ था तो इसे अच्छे से मैच करना भी आसान हो रहा है। हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। हमने आलू को भी हाथों से ही क्रश करके रखा हुआ था। एक और आलू को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे आलू और पोहा अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक का इसे अच्छे से हाथों से अपने मिक्स कर लेना है। आलू और पोहा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब डालेंगे मूंगफली। पिसा हुआ सा हरी मिर्च, हरा धनिया पाउडर और रेड चिली, स्वाद अनुसार नमक, अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हमारा दो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। दो भी बहुत सॉफ्ट बनाए हैं। एक छोटी सी लोई लेकर अब इस तरीके से हमें हाथों से इसे बनाना है। आप चाहे वो शेप दे सकते हैं, हमने इस तरीके से दबाते हुए इसे ये शेप दिया है। आप चाहे तो गोल भी शेप का ये बना सकते हैं। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर अब इसी तरीके से हमें और भी बना लेना है। ये बहुत ही आसानी से बनता है। इसी तरीके से हमने पूरी आलू बोहे की टिकिया बनाकर रेडी कर ली है।
कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए गैस हाई आँच पर रखा था। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो तब तक हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें पानी ऐड करना है। कॉर्नफ्लावर से कुरकुरापन आता है, इसीलिए हमें इसे इस पर टिक्कियों पे लगाते हुए फ्राई करना है। हमें इसे पतला सा पेस्ट बनाना है। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है, गैस को हमें मीडियम आंच पर कर देना है। कॉर्नफ्लावर के पेस्ट में डिप्ड करते हुए हमें इसे फ्राई करना है। इसी तरीके से हमें और भी फ्राई करना है। एक एक ही डिप करते हुए हमें ऑयल में फ्राई करने के लिए डालना है। दो मिनट तक इसे फ्राई होने देना है। 2 मिनट के बाद ही इसे पलटना है ताकि ये नीचे से भी थोड़ा फ्राई हो जाए और पलटने भी में आसानी रहे। देखिए हमारे आलू पोहा टिकिया कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसका गोल्डन कलर भी आया है यहाँ पर। अब हमें इसे निकाल लेना है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से हमें और भी फ्राई कर लेना है। देखिए हमारे आलू पोहा टिकिया बनके रेडी हो चुकी है। ऊपर से कितना स्क्रंची और अंदर सॉफ्ट बना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, और इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगती।